जीवन का सबसे खूबसूरत हिस्सा होती है, अगर माँ नहीं तो कुछ भी नहीं। तो जी हाँ, आज का हमारा ये वीडियो माँ पे डेडिकेटेड है और आज हम यहाँ आपको बताएंगे भोजपुरी के तमाम जितने भी एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं उनकी मम्मियों के बारे में। तो पहले शुरुआत करते हैं पवन सिंह की मम्मी से। तो आपको बता दें कि पवन सिंह की माता जी, जो कि पवन सिंह के लिए न जाने कितने उपवास और व्रत रखती हैं और ये चाहती हैं कि उनके बेटे का घर जल्द से जल्द सवर जाए। और बेटा है कि उसे माँ की हर खुशी चाहिए। जी हाँ, पवन सिंह अपने माँ को बहुत प्यार करते हैं और शायद यही वजह है कि माँ का हमेशा ध्यान पवन सिंह पर लगा रहता है। अब बात करते हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ के बारे में। जी हाँ, दिनेश लाल यादव निरहुआ और उनकी माँ का कनेक्शन बहुत ही प्यारा है। दिनेश लाल यादव निरहुआ भाई प्रवेश लाल यादव दोनों आज भले ही भोजपुरिया के सुपरस्टार हैं, लेकिन माँ की नज़र में आज भी बच्चे हैं और माँ के साथ वो रोटियाँ बनाना आज भी नहीं भूलते। आगे बढ़ते हैं खेसारी लाल यादव की तरफ। तो आपको बता दें कि खेसारी लाल यादव ये कहते हैं कि उनकी माँ ने बहुत ही संघर्षों को उन सातों भाइयों को पाला है और माँ का संघर्ष वो जीवन में नहीं भूल सकते। माँ ही थी जो हमें हर वक्त हर दिन भरपेट खाना मिल जाता था। गरीबी तो ऐसी थी कि माँ अपने हिस्से का भी खाना हमें दे देती। देखिए जनाब कि माँ की ममता होती ही ऐसी है। अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं रितेश पांडे की तरफ। तो आपको बता दें कि रितेश पांडे की मम्मी भी बहुत ही ज़्यादा रितेश पांडे के करीबी हैं और बनारस में रहती हैं वो, और रितेश पांडे का ज़्यादातर समय अपनी माँ के साथ रहने में ही गुजरता है। रितेश पांडे अपनी माँ से मिलना छठ में बिल्कुल नहीं भूलते। और आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अरविंद अकेला कल्लू की तरफ। जी हाँ, अरविंद अकेला कल्लू की मम्मी भी अपने घर में हमेशा कोई ना कोई पूजा अपने बेटे की तरक्की के लिए रखती हैं और उसमें वो अरविंद अकेला कल्लू को शामिल करना बिल्कुल नहीं भूलती। अब बढ़ते हैं प्रदीप पांडे चिंटू की तरफ। प्रदीप पांडे चिंटू के जीवन में बहुत अहमियत रखती हैं। प्रदीप पांडे चिंटू की मम्मी आज भी प्रदीप के इतने बड़े हो जाने के बाद उनके हर छोटे बड़े चीज़ों का बखूबी ख्याल रखती हैं। अब बढ़ते हैं एक्ट्रेसेस की तरफ। तो चाहे वो आम्रपाली हो, चाहे वो काजल राघवानी हो, चाहे वो अक्षरा सिंह हो, सभी की मम्मियाँ उनकी लाइफ में बहुत अहमियत रखती हैं। अब आप इस बात का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि आम्रपाली बगैर अपनी मम्मी के डिसीज़न के वो कुछ नहीं करती। जी हाँ, उनके लाइफ में उनकी माँ सबसे पहले है, फिर काम बाद में है। वहीं काजल राघवानी ने तो ये कह दिया है कि माँ जिस लड़के से कहेगी उसी से शादी करूँगी। और रही बात अक्षरा सिंह की, तो आपको बता दें अक्षरा सिंह अपनी लाइफ का बैकबोन मानती हैं अपनी माँ को। हमेशा हर ओकेज़न पे अपनी माँ का आशीर्वाद लेना और अपने निजी जीवन में हर तरह के सलाह मशवरे में अपनी माँ को वो ज़रूर शामिल करती हैं। अब मधु शर्मा हो या फिर हो शुभी शर्मा, सभी के लिए उनकी माँ उनके आँख का तारा है। सभी अपनी माँ के डिमांड का ख्याल रखते हैं। और आपको बता दें इन सभी स्टार्स की माएँ अपने बच्चों के खाने पीने से लेकर हर एक चीज़ों का ख्याल इतने बड़े होने के बाद भी बच्चों की तरह ही रखती हैं। यकीन है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।